headshot. Panda. I got broads in Atlanta. Just took the lean in the family. Credit cards in the scammers. Getting the looks in the band. Legacies. So hey guys, कैसे हो आप सब? I hope आपकी lockdown की छुट्टियाँ यार बहुत ही अच्छी जा रही होंगी. आप रोज़ कुछ ना कुछ नया सीख ही रहे होंगे. फिलहाल यहाँ मैं उतरा था पोचिंग की और उतरते से मुझे दिखा एक ग्लिच. मैं देख रहा था दीवार के आर पार और ये ट्रिक सिर्फ पैराशूट से ही संभव है. अब मैंने दो बंदों को पोचिंग की उतरते हुए देख लिया था तो मैं उस साइड चले जाता हूँ रोटेट करते करते और यहाँ पे मुझे वो बंदे दिख भी जाते हैं. फुटस्टेप्स आ रही है मुझे, एक नॉक किया मैंने. I don't know. अब यहाँ पे दिख जाता है मुझे एक बॉट. और यहाँ पर मुझे दूसरे बंदे की फुटस्टेप्स आ रही थी और मुझे नहीं पता था कि अब ये बॉट है कि नहीं, क्योंकि ये कब से फुटस्टेप्स दे रहा था. तो अब ये बंदा था या बॉट वो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना. फिलहाल यहाँ पे हो जाता है दो नंबर ऑफलाइन और उस पर कर देते हैं एक बॉट फायर. अब मुझे जाना था किल्स के लिए क्योंकि पोचिंग की में यार कोई नहीं उतरा था उन दो बंदों के अलावा, जिसमें से दो तो मैंने बॉट से किल करे. अब मैं आपको यहाँ पे एक ट्रिक बता देता हूँ. यहाँ से आपको जंप करना है और यहाँ से आप इस पीले वाले घर पे आ सकते हो. तो यहाँ पर अगर एनिमीज़ हो तो आप बहुत ही इजी तरीके से रश कर सकते हो उन पे. ये देखिए, अब मैं इन पर भी रश करूँगा. यहाँ पे सिमिलरली अगर यहाँ पे बंदे हो तो आप यहाँ से डायरेक्ट उन्हें मार सकते हैं. वैसे मैंने सोचा था आपके लिए एक टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो रिकॉर्ड करूँगा, लेकिन यार उसके लिए मुझे टाइम नहीं मिलता क्योंकि जैसे ही मैं रिकॉर्ड करने बैठता हूँ मेरे को बहुत सारी रिक्वेस्ट आने लग जाती है. फिलहाल यहाँ पे मेरा कैरेक्टर हो गया था लॉक और मैं मूव नहीं कर पा रहा था, और जैसे ही मूव करा Years later. अब जैसे तैसे बहुत देर बाद ये प्रॉब्लम फिक्स हुई. मैंने अपने टीममेट्स को टाइप करके बताया और आगे भी आप देखना भाई गाड़ी कैसे जा रही है. वेल, अब मैं यहाँ पर भी एक ट्रिक सोच रहा था लेकिन यार लैग ही बहुत हो रहा है. अब इतने में ही मुझे एक गाड़ी दिखी, साइड में दिख रही होगी आपको, और वो सामने वाले घर में रुक गई. तो अब मुझे पहले उधर स्नाइपिंग करके देखना था. लेकिन वो मूव हो ही जा रहा था, वो स्टिल बैठ ही नहीं रहा था, इसलिए हमें उस पर पोशी करना पड़ा. अभी तो दिखा था यार, तुम दो साइड से घेरो, मैं देखता हूँ ये. अरे यार उधर है, आगे उस तरफ तीन नंबर ध्यान. अब इन दोनों ने मिलकर उसे मार दिया था और मैं आया लूट करने, और उतने में ही चार नंबर नॉक्ड. किसी ने कार 98 से भयंकर वाला जड़ दिया था इसको.
तो अब देखते हैं किसने जड़ा। भाई जो भी था सांप बना था या फिर पेड़ के कवर में था, और मुझे एकदम से कुछ काला काला दिखा हिलते हुए। और जैसे ही मैंने स्कोप से देखा, इसी हेडशॉट पे सब्सक्राइब वाला बटन दबा दें। अब मुझे पता था उसके पास 8x तो ज़रूर होगा, वरना वो इतनी दूर से हमें ऐसे ही नहीं देख सकता है। और मैंने चलाया था रैंडम शॉट, तो देखते हैं उसके क्रेट में क्या मिलता है। और भाई साहब मेरा शक सही निकला। अब जोन शिफ्ट हो रहा था तो हमें जोन में भी जाना था, नहीं जाते तो डैमेज हो जाता। और हमारे टीममेट ड्राइवर ने सीधे वहीं जाके ठोकी ड्रॉप के पास ले लो, जहां पर तीन तीन स्क्वाड पहले से ही लड़ रही थी। जब तक मैंने नो बोला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब हम जैसे ही उतरे, भाई धमाधम नॉक होने लग गए टीममेट मेरे। वो तो मुझे एक एडवांटेज था कि मुझे वो सीडी पे दिख गया, और एकदम से मुझे किसी ने हेडशॉट टिका दिया। वो तो लेवल 3 के हेलमेट की बदौलत था कि मैं बच गया। पीछे साइड से तीसरी स्क्वाड लड़ने लग गई, और न जाने कितनी स्क्वाड बाकी थी। एक तो हम ही थे, मतलब तीन थी, दो साइड से आ रही थी और तीसरी को हमने ख़त्म कर दिया। अब मैं वो सामने वाले बंदे को देखना चाहता था कि भैया वो मार कहाँ से रहा है। यार डर लग रहा था ना टावर पे, वो बस मैं ही जानता हूँ। अब उतने में ही मेरा 3 नंबर हो जाता है नॉक, 4th नंबर मेरा लेता है फाइट, और मैं इधर साइड कवर देता हूँ कि साइड में से कोई आके ना मार दे। और 4 नंबर भी हो जाता है ढेर, क्योंकि उनके पास थी AWM। अब जैसे ही मैंने पीक करा मुझे तो कोई नहीं दिखा, शायद उन्हें भी जोन में जाना हो। लेकिन एकदम से मेरा हेलमेट फिर किसी ने फोड़ डाला।
अब जोन आ रहा था तो मुझे जाना ही था, लेकिन ये सांप का बच्चा यार, क्या बोलूं। ये बंदा कब से वहीं लेटे लेटे देख ही रहा था, कोई मूवमेंट नहीं, जैसे ही आएगा डस लेगा। मारो इनको, मारो।